हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय पाउड बाई अभिमन्यू आई एस माई नेम इज़ ब्रिजेश एंड इन टूडेज क्लास वी विल रिवाइज इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर फैक्ट्स पर टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सम रेवेन्यू टेक्नोल टर्मिनोलॉजीज ओके देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें अक्सर लैंड रेवेन्यू के टर्मिनोलॉजीज और लैंड रेवेन्यू के में जैसे मेजरिंग यूनिट्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम करने वाले हैं करने वाले हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट और उसके बाद फिर हम जो रेवेन्यू टर्मिनोलॉजीज हैं वो पढ़ेंगे उसके बाद फटाफट हम कवर करेंगे जैसे लैंड मेजरिंग यूनिट्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो वी विल कवर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड मेजरिंग यूनिट्स ओके सो देखिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का ठीक है इसका जो हेड है द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रेवेन्यू रिहेबिलेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज हेडेड बाय द फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ओके, सो हेड कौन हो गया फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू और यही फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू यही है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ठीक है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड कौन हो कौन है फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू एंड ही इज आल्सो द एडिशनल चीफ सेक्र सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नाउ द स्टेट ऑफ पंजाब इज डिवाइडेड इनटू फाइव डिविजन्स पंजाब स्टेट को कितनी डिवीज़न में बांटा गया है फाइव डिवीजन्स और ये डिविजन्स कौन कौन सी हैं अक्सर इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अगर आज पंजाब जीके का को, को, कोई कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे पूछा जा सकता है पंजाब में कितनी डिवीज़न्स हैं और इन में से कौन सी एक डिवीज़न है या नहीं है ये अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको आंसर करना पड़ करना पड़ेगा राइट right. तो देखिए अब जो पंजाब स्टेट है उसमें कितने डिवीजन्स हैं फाइव जलंधर पटियाला रूपनगर फिरोजपुर फरीदकोट ओके नाउ ईच डिवीजन इज हेडेड बाय द डिविजनल कमिश्नर जो डिवीजन है राइट फाइव डिवीजन में स्टेट को बांटा गया है और जो एक डिवीजन को कौन देखता है जो डिविजनल कमिश्नर है आगे फर्दर जो डिविजन है दोज आर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट डिविजन आर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट विच आर हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट में जो जो डिवीज डिवीजन हैं उनको आगे फर्दर डिस्ट्रिक्स में बांटा गया है और जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसका जो है जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट में वो कौन होता है डिप्टी कमिश्नर राइट डिप्टी कमिश्नर आल्सो एक्सरसाइज द पावर पावर ऑफ कलेक्टर एंड रजिस्ट्रार अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प एक्ट इसको हम डिप्टी कलेक्टर भी कह सकते हैं ठीक है तो ये फैक्ट्स हैं ये कुछ या अपने चीज़ें हैं जो हम आपके टिप्स पे होनी चाहिए नंबर वन इज स्टेट में कितने हैं फाइव एक डिवीज़न का हेड कौन होता है सब डिवीजन -divis, जैसे डिविजनल कमिश्नर ओके ये डिवीज़न का हेड होता है फिर डिवीज़न को आगे डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन कौन होता है डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर क्योंकि ये इट ही आल्सो एक्सरसाइजेज द पावर ऑफ लेक्टर एंड रजिस्टर अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन स्टैंप एक्ट राइट नाउ डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इंटू सब डिविजन तहसील एंड सब तहसील राइट अब डिस्ट्रिक्ट के फर्दर आगे जो सब डिविजन है उनका हेड कौन होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम जिसको कहते हैं हम इन शॉर्ट सो डिस्ट्रिक्ट का हेड डिप्टी कमिश्नर सब डिवीजन का हेड सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट एंड तहसील आर तहसील लेवल पे तहसील आर हेडेड बाय तहसीलदार राइट right? सो so, तहसील आर हेडेड बाय तहसीलदार एंड सब तहसील्स आर हेडेड बाय नायब तहसीलदार आप सभी को पता है आजकल नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट चल रही है राइट right? अच्छे खासे जैसे स्टूडेंट्स हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं बहुत स्टूडेंट्स तैयारी में लगे हुए हैं राइट right. तो जैसे जो तहसील है उसका हेड कौन होगा तहसीलदार और सब डिवीज जैसे सब तहसील का जो हेड है वो कौन होता है नायब तहसीलदार नाउ देर आर ट्वेंटी डिस्ट्रिक्स इन पंजाब ट्वेंटी टू डिस्ट्रिक्स एंड नाइन्टी वन सब डिवीजनस नाइन्टी वन तहसील एंड एट्टी थ्री सब तहसील इन द स्टेट ऑफ पंजाब सो ये आपने याद रखना है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ट्वेंटी टू डिस्ट्रिक्स नाइन्टी वन सब डिविजन्स एंड नाइन्टी वन तहसील एंड एट्टी थ्री सब तहसील इन द स्टेट ऑफ पंजाब ओके अब देखिए जो नायब तहसीलदार है बात जाएगी कहाँ तक हम कहाँ तक जाना है हमने विलेज लेवल तक पटवारी तक सो so, जैसे डिस्ट्रिक्ट का कौन है डिप्टी कमिश्नर ठीक है तहसील फिर डिवीजन का हेड सॉरी यस yes. सो so, डिवीजन का हेड कौन होता है सॉरी डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है डिप्टी कमिश्नर राइट सब डिवीजन का हेड कौन होता है सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और तहसील ते, का हेड कौन होता है तहसीलदार और सब तहसील आर हेडेड बाय नायब तहसीलदार राइट अब देखिए जो नायब तहसीलदार है सब तहसील लेवल पे ये किसको असिस्ट करता है तहसीलदार एट तहसील लेवल सब तहसील पे नायब तहसीलदार फिर आ गया तहसील लेवल पे जो तहसीलदार है उसको असिस्ट करता है नायब तहसीलदार से नीचे जो डेजिग्नेशन आता है राइट वो है कानूंगो ठीक है अब कानूंगो के नीचे क्या आ जाता है पटवारी पटवारी का, का काम क्या है फॉर ए विलेज एक गांव उसको दिया जा सकता है या उसको ग्रुप ऑफ विलेजेस दिए जा सकते हैं सो हिराकी क्या है गांव लेवल पे पटवारी पटवारी की बात जो प्रमोशन कह सकते या नेक्स्ट डेजिग्नेशन हम कह सकते हैं पटवारी के ऊपर क्या होगा कानूनगो कानूनगो के ऊपर नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार से ऊपर क्या होगा तहसीलदार फिर क्या होगा एस फिर डिप्टी कमिश्नर राइट सो so ये एक स्ट्रक्चर है जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या रेवेन्यू ऑफिसर्स का राइट नेक्स्ट इज अब बात करते हैं जैसे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई लैंड वगैरह है उसकी रजिस्ट्री कराते हैं राइट right. जिसको हम जमाबंदी बोलते हैं राइट right. रजिस्ट्री एक अलग चीज है रजिस्ट्री क्या होता है जैसे मैंने लैंड खरीदनी है तो मेरी फिर वहां पे एक रजिस्टर्ड डीड बनने तैयार होगी फिर उसके बाद क्या काम होता है इंतकाल कराना या म्यूटेशन या फिर उसके बाद जमाबंदी तैयार होती है इंतकाल जिसको कहते हैं राइट right. तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं सबसे पहले खसरा नंबर क्या होता है ये टर्मिनोलजीज़ हैं इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है खसरा नंबर और फील्ड नंबर और सर्वे नंबर जिसको हम किला नंबर भी कह सकते हैं देखिए पूरा कोई विलेज जो है वो जो जैसे किलो में बटा होता है या प्लॉट्स में बटा होता है तो हर लैंड को एक खसरा नंबर दिया जाता है ठीक है उसको हम खसरा नंबर बोल सकते हैं फील्ड नंबर बोल सकते हैं और सर्वे नंबर या किला नंबर बोल सकते हैं राइट like? अब जब जमाबंदी क्या है जमाबंदी या जिसको हम फर्द आर ओ आर भी कह सकते हैं देखिए ये एक मेन लैंड रिकॉर्ड है राइट इट्स ए मेन मेन लैंड रिकॉर्ड डिटेलिंग इसमें क्या क्या आ जाता है ऑनर्स नेम जो ज़मीन का मालिक है कल्टिवेटर नेम जो काश्तकार वहाँ पे उस जमीन पे खेती करते हैं ठीक है और इसमें आ जाएगा खसरा नंबर उसका एरिया फिर उसमें क्रॉप डिटेल्स फिर अगर अगर आपकी ज़मीन पे जैसे कोई लीज पे दे रखी है या उस पर कोई लोन है तो उसकी कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन राइट तो ये सारा कुछ किस में आता है आपकी फ़र्द में जमाबंदी में अगर मान लीजिए हमने लैंड कई खरीदनी है तो ज़रूरी है कि मैं उसकी पहले फ़र्द निकाल के चेक कर लूँ और उससे क्या है कि हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये जो ज़मीन है किस बंदे के नाम पे है इस पर कौन कौन से कल्टीवेटर्स हैं काश्तकार कौन कौन है राइट और इस पर अगर कोई लोन वगैरह तो नहीं है कोई झगड़े की ज़मीन तो नहीं है सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है राइट नेक्स्ट इज खाता नंबर और खेवट नंबर अकाउंट नंबर गिवन टू सेट ऑफ ऑनर्स हु ऑवन ए पीस ऑफ लैंड विद वेरियस खसरा नंबर अब खाता नंबर क्या है खाता नंबर एक अकाउंट uh, की तरह से है खाता नंबर बताता है किस बंदे के पास या किस किस पर्सन के पास कितनी जमीन है राइट इट डिटेल्स इट डिटेल्स द इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड ए पर्सन इज हैविंग ओके सो अकाउंट नंबर गिवन टू ए सेट ऑफ ऑनर्स हु ओवन ए पीस ऑफ लैंड विदियस खसरा नंबर सो खाता नंबर एक अकाउंट की तरह है जिसमें जितने ऑनर हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है कि इसके पास कितनी जमीन है नेक्स्ट आ जाता है खातूनी नंबर सेम खाता नंबर की तरह ही खातूनी नंबर है बट यहां पे लैंड ओनर्स नहीं आते यहां पे कौन आएंगे अपने कल्टीवेटर या काश्तकार देखिए जमीन की जब फर्द होती है उसमें कई बार लिखा होता है खुद काश्त खातूनी जैसे वहां पे जमाबंदी के में ठीक है वहां पे खुद लिखा होता है कई बार खुद काश्तकार यानी कि जो ओनर है वही उस जमीन पे खेती भी करता है राइट एक बार देख लेते हैं इसको यस, yes. सो so, ये एक जमाबंदी की कॉपी है सैम्पल कॉपी है ठीक है देखिए इसमें कौन कौन से कॉलम हैं सबसे पहले खेवट नंबर अभी मैंने क्या बताया था खेवट नंबर क्या है ये जो ओनर हैं या जो लैंड ओनर हैं उनका एक अकाउंट होता है ठीक सो इट्स लाइक ए अकाउंट नंबर कि किसके कौन कौन ओनर हैं कितनी कितनी जमीन है सो so, ये क्या आ गया है आपका नंबर वन कॉलम में खेवट नंबर दूसरा है खतौनी नंबर खतौनी नंबर मैंने क्या बताया है जैसे कल्टीवेटर्स राइट right? अगर कोई जमीन है जो जहाँ पे कल्टीवेटर्स का रिकॉर्ड है जैसे कल्टीवेटर्स हैं कुछ जैसे हमने जमीन को किसी को दे रखी है राइट right? वही के लिए या उस पर कौन कौन खेती करता है उसकी डिटेल ठीक है तो ऐसे ही खेवट नंबर आ गया है ऐसे ही खतौनी नंबर या लगान फिर आ गया है मालक का नाम और लैंड ओनर so, और उसकी डिटेल राइट right? जैसे यहां पे है पलविंदर को विधवा सुखा सिंह पुत्र हजारा सिंह तीन बटा चार हिस्सा राइट right? आगे अमितोज सिंह सुखा सिंह पुत्र हजारा सिंह वन बाय फोर हिस्सा राइट right? तो ये क्या आ गया मालक का नाम और वेरवा फिर कास्तगार का नाम और वेरवा राइट डिटेल ऑफ कल्टीवेटर ओके okay, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए अब ये जो जमीन है पलविंदर कौर की जमीन जो है इसमें ये क्या लिखा हुआ है काश्तकार की जगह पे क्या लिखा हुआ है खुद काश्त नेक्स्ट क्या है सिंचाई का साधन इसमें सिंचाई वगैरह का साधन क्या है फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या है मुरब्बा और खसरा नंबर मुरब्बा और खसरा नंबर राइट right? रकबा और एंड पौधी किस्म सेवेंथ कॉलम में क्या है रकबा और पौधी किस्म ठीक है किस तरह की जमीन है नहरी है राइट और या कोई और किसी तरह की जमीन है तो यह बताता है किस तरह की जमीन है वो नेक्स्ट आ जाता है विशेष कथन विशेष कथन ठीक है इसमें क्या आ जाता है जो कॉलम नंबर एट है इसमें जमीन की डिटेल आ जाती है जमीन कोई लीज पे तो नहीं है कंट्रैक्ट पे तो नहीं है राइट जमीन पे कोई किसी और का कब्जा तो नहीं है या मतलब कोई स्पेशल कमेंट वगैरह सारे इसमें आएंगे फिर सो ये एक कॉपी है जमाबंदी की राइट तो आपने ये सारी चीज़ों को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना है ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के में ठीक है देखिए जो पटवारी का एग्जाम है मैं एक बात आपको फिर कहूँगा यहाँ पे पटवारी के एग्ज़ाम में चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा हमारी सिलेबस की कॉपी हमारे टेबल पे होनी चाहिए और फटाफट उस अकॉर्डिंगली हमारी तैयारी होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें कोई भी जैसे पोर्शन है कोई टॉपिक है उसको हम साइडलाइन नहीं कर सकते हमें हर टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए ओके सो नेक्स्ट इज म्यूटेशन म्यूटेशन क्या होती है म्यूटेशन इंडिकेट्स द चेंजेस दैट हैव टू बी ब्रॉट अबाउट इन ऑनरशिप एंड टाइटल ऑफ द लैंड इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट खेवट ऑफ लास्ट जमाबंदी अब म्यूटेशन क्या है जब हम जमीन ख़रीदते हैं रजिस्ट्री होती है फिर म्यूटेशन म्यूटेशन क्या है म्यूटेशन में सारा रिकॉर्ड होता है ज़मीन किसके पास किससे ख़रीदी गई है फिर आगे किसके बेची गई है राइट तो सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी रिकॉर्ड होती है म्यूटेशन में नेक्स्ट है सहजरा और किस्त किस्वतवास्वतवार वार और जिसको हम लट्ठा बोलते हैं सहजरा किस्तरवार किस्वतवार किस और लट्ठा लट्ठा क्या चीज़ है द मैप शोइंग द पोजिशन ऑफ एवरी फील्ड ऑफ ईच विलेज इज़ नॉन एज सहजरा किस्वतवार जैसे पूरा विलेज में पूरे विलेज में अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे डिवाइड होगा ये ठीक है तो ऐसे कुछ ऐसे राइट पूरा विलेज कुछ हिस्सों में प्लॉट में या ऐसे डिवाइड होता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लिठा नेक्स्ट है खसरा गिरदावरी खसरा क्या होता है द रजिस्टर वेयर क्रॉप मेंटेन्ड बाय पटवारी और द रजिस्टर ऑफ क्रॉप इंस्पेक्शन खसरा गिरदारी एक रजिस्टर होता है जहां पे जो पटवारी है पटवारी का, का काम क्या है देखिए जो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना लैंड पे कौन कौन सी खेती है कितनी हो रही है वो सारा क्रॉप्स डिटेल मेंटेन करना राइट right? तो जो खसरा गिरदारी है उसमें जो क्रॉप की इंस्पेक्शंस हैं वो सारा रजिस्टर क्रॉप की जिस जैसे डिटेल सारा कुछ उसमें मेंटेन होता है नाउ नेक्स्ट इज बंजर गदीम कोई जमीन अगर आठ साल तक आठ जैसे सीजन तक आठ सक्सेसिव सीजन निकल गए हैं जो जमीन अभी तक बाही नहीं गई है तो उसको हम क्या कहेंगे बंजर गदिम ठीक है तो ये डिटेल होगी उसमें देन बंजर जदीद जो लैंड चार सक्सेसिव हार्वेस्ट सीजन तक जैसे चार सीजन तक जिस जमीन को बाहर ना आ गया हो तो बंजर जदीद बोलेंगे राइट नाउ वी हैव सीन वी हैव कवर्ड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू टर्मिनोलॉजीज़ नाउ अब हम देखेंगे कि जो लैंड मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स यूज होती हैं फटाफट रिकेप करेंगे फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले जो छोटी से छोटी यूनिट है लैंड मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं दैट इज मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या है एक हजार का एक हजारवां हिस्सा एक मीटर का मिली यानी कि टेन रेज टू पावर माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू वन अपॉन वन थाउजेंड मीटर एक सेंटीमीटर कितना होता है जैसे एक बटा सौ मीटर या उल्टा बोल सकते हैं हम एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर में 100 सेंटीमीटर अब एक डेसीमीटर देखिए वन डेसीमीटर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर एंड इट इज इक्वल टू वन बाय टेन मीटर तो एक मीटर में कितने डेसीमीटर हुए राइट एक मीटर में सौ सेंटीमीटर और एक डेसीमीटर में दस सेंटीमीटर तो एक मीटर में कितने डेसीमीटर हुए दस राइट नाउ, एक इंच वैसे तो ये देखिए आप लोगों में से बहुत को आता होगा लेकिन फिर भी हमें इन इस, इनको रिवाइज कर लेना है फटाफट फट जैसे हमें इनके ये हमारे टिप्स पे होने चाहिए इन पर क्वेश्चन आ सकता है वहां पे कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन आ सकता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का कोई क्वेश्चन आ सकता है इट right. तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा सौ सेंटीमीटर ठीक है नेक्स्ट इज वन सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर कितना होगा हंड्रेड एम एम आई सॉरी टेन एम एम वन स्क्वेयर मीटर इज इक्वल टू वहां पे आ सकता है अब एक स्क्वायर मीटर एक स्क्वायर मीटर क्या हो गया जैसे एक मीटर एक मीटर एक मीटर ये एरिया हो गया एक स्क्वायर मीटर कितने स्क्वायर यार्ड के बराबर हो गया वन पॉइंट वन नाइन फाइव डबल नाइन वन टू इतने स्क्वायर यार्ड्स, ओके अब देखिए बात करते हैं एकड़ कर, अक्सर लैंड में जैसे लैंड मेजरमेंट के लिए गाँव में क्या शहरों में क्या हम एक यूनिट यूज करते हैं एकड़ एक एकड़ एक कितने के स्क्वायर फीट के बराबर है तरतालीस हजार पाँच सौ साठ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो so एक वन एकड़ इज इक्वल टू फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी स्क्वेयर फिट नाउ ये कितने स्क्वायर यार्ड के बराबर है फोर एट फोर जीरो अगर एग्ज़ाम में आ जाए राइट के जैसे तरतालीस हजार पाँच सौ फीट इसको हमने कन्वर्ट करना है स्केयर यार्ड में और अगर हमें ये चीज़ ना याद रहे फोर एट फोर जीरो तो क्या करेंगे राइट तो इन दैट केस एक सिंपल चीज़ है जो हमारा स्क्वेयर फीट है राइट टोटल स्क्यर फीट टोटल स्क्वेयर फीट डिवाइडेड बाई नाइन गिवस मी यार्ड्स ओके आई गेस दिस इज क्लियर नेक्स्ट इज एक हेक्टेयर एकड़ के बाद हमने अक्सर जब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं या लैंड की बात करते हैं तो हेक्टेयर यूनिट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है और हेक्टेयर क्या है वन हेक्टेयर इजिकल टू टेन थाउजेंड स्क्र मीटर्स अगर यार्ड्स की बात करें तो इट इज 11,959.912 स्क्वायर यार्ड्स। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है हेक्टेयर को एकड़ में कन्वर्ट करना तो एक हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर है वन हेक्टेयर इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर सेवन वन जीरो डबल फाइव एकड़ पूरी फिगर याद ना रहे तब भी एक हेक्टेयर 2.47 एकड़ के बराबर होता है नाउ हेक्टेयर 10,000 थाउजेंड मीटर के बराबर है एक हेक्टेयर 10,000 थाउजेंड स्क्र मीटर्स के बराबर है अब अगर इसको हम स्केयर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा देखिए एक मीटर में ना no, सॉरी एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वन थाउजेंड मीटर राइट एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? वन थाउजेंड और अगर स्केयर तो एक एक स्केयर किलोमीटर में कितने मीटर स्केयर मीटर होगा टेन रेज टू पावर सिक्स स्केयर मीटर वन स्क्र किलोमीटर में ओके सो वन स्क्र किलोमीटर इज इक्वल टू टेन राइज टू पावर सिक्स स्क्वेयर किलोमीटर सॉरी स्क्वेयर मीटर्स। अब अगर हम यहां पे बात करें वन हेक्टेयर वन हेक्टेयर की जगह हमने क्या कर दिया सो हेक्टेयर राइट और ये है टेन थाउजेंड स्क्वेयर मीटर यहां पे हम क्या कर देंगे दो जीरो और लगा देंगे तो कितनी जीरो आ गई है छ इतने स्क्वेयर मीटर आ गया अब अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो वन स्क्वेयर किलोमीटर आ गया राइट right? सो so, हंड्रेड हेक्टेयर अगर हम बात करते हैं जब एक हेक्टेयर की एक हेक्टेयर की तो वो दस हजार स्कोर मीटर के बराबर होता है बिग एरिया अब किलोमीटर का तो सब कुछ सभी को पता है अगर मान लो मैं कहता हूं कि हंड्रेड हेक्टेयर है वो जो एक स्क्वेयर किलोमीटर है वो कितना के एरिया होगा तो दैट इज हंड्रेड हेक्टेयर एक चीज और है यहां पे अब यार्ड्स है सतारह सौ साठ सेवनटीन एंड सिक्सटी इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन थ्री किलोमीटर इज इक्वल टू वन माइल अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो किलोमीटर अब जो पुराने बुजुर्ग हैं या पुराने अभी भी गाँव में हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर बात होती है कि मीलों की बात होती है किलोमीटर की बात नहीं करते हैं और जो मील है ना वो वो किलोमीटर से 1.6 टाइम्स ज़्यादा है सो वन माइल इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर ओके ये आपने याद रखना है यहां से हम फिर आगे कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी कोई और यूनिट्स है उनपे अगर यहां से कन्वर्ट करना है इधर से कन्वर्ट करना है तो इन दैट केस इट विल बी वेरी यूजफुल सो वन माइल इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन थ्री किलोमीटर अब अगर बात करें तो देसी यूनिट्स की जो अक्सर यूज होती हैं लैंड कि सेल परचेज में या लैंड के मेजरमेंट के लिए तो करम एक यूनिट है कर्म एक करम कितने इंच के बराबर होता है होता है सिक्सटी सिक्स ओके यस सो वन करम इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स इंचिस ये याद रखना आपने अब आप देखिए ये जो करम है ये हम लंबाई के लिए यूज कर रहे हैं अगर एरिया की बात करें तो क्योंकि स्केयर यूनिट्स में हम एरिया कैलकुलेट करते हैं वन करम इंटू वन करम यानी कि जैसे हम स्टैंडर्ड की बात करें वन मीटर इंटू वन मीटर वन स्केयर मीटर तो वो जो स्केयर मीटर यूनिट है वो एरिया की है सिमिलरली वन करम इंटू वन क्रम वन सरासी ठीक है वन कर्म इंटू वन कर्म को हम क्या कह सकते हैं वन सरहासी ठीक है और ये कितने गज के बराबर होगी या स्केयर यार्ड के बराबर थ्री थ्री सिक्स डबल वन डबल वन तो वन कर्म इज इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री सिक्स डबल वन डबल वन वन स्केयर यार्ड राइट अब और फर्दर बात करें तो एक मरला काफ़ी कॉमन यूनिट है जो एक मरला है उसमें कितने आ गए सरहसी नाइन सरहस, सर सर सही नाइन सर सही और ये कितने स्केयर यार्ड के बराबर होगी नाइन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें ठीक है तो ये कितना आ गया फोर्टीन ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन 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 इतने स्केयर यार्ड्स अप्रोक्स ठीक है अब देखिए ये जो मरला है बिस्बा है ये अलग जगह पंजाब में इसके यूनिट्स अलग होते हैं और स्टेट आंध्र प्रदेश में इसके यूनिट अलग होते हैं कर्नाटका में अलग होते हैं सो so, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है ठीक है देन ट्वेंटी मरला मरले के बाद हम कैनाल एक कनाल में कितने मरले होते हैं बीस मरले अप्रोक्सीमेटली फाइव हंड्रेड स्केयर यार्ड्स ना अगेन लेट्स रिवाइज राइट छोटी सी यूनिट से स्टार्ट करेंगे फिर हम आगे तक जाएंगे द फॉलोइंग आर द बेसिक मेजरमेंट्स ऑफ लैंड यूज इन पंजाब एंड हरियाणा इन असेंडिंग ऑर्डर वन करम अभी मैंने बात की है जैसे दैट इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव फुट वन कर्म की बात कर रहे हैं तो दैट मीन हम लंबाई माप रहे हैं एरिया नहीं नाउ देखिए वन मरला एक मरला नाइन स्क्र क्रम्स टू सेवन टू पॉइंट फाइव स्क्र फीट कितने स्क्वायर फीट के बराबर है 272.25 सेवेंटी टू पॉइंट टू okay. फाइव ओके और कितने अप्रोक्सीमेटली गज हो गई है थर्टी पॉइंट टू फाइव और स्क्वायर फीट से गज के लिए क्या होता है डिवाइड बाय नाइन ठीक है अब देखिए यहां पे सबसे छोटी यूनिट कर्म थी फिर हमने क्या यूज किया वन मरला ये कितने किसके बराबर है एरिया का यूनिट लेंगे नाइन स्केयर करम या नाइन सर, सरसाही अब बात करेंगे बिस्वा जो बिस्वा है वो कितना होता है वन बिस्वा इज फोर पॉइंट नाइन फाइव फाइव एट सेवन मरला ओके ना वन कैनाल इक्वल टू इसके बाद जो बिगर यूनिट है एक कनाल में दस बिस्बे आते हैं और एक बीघे में नेक्स्ट यूनिट इज बीघा एक बीघे में दो कैनाल और एक बीघा दो जैसे एक बीघा है वो ट्वेंटी बिस्वा के बराबर होगा फिर वन इज इक्वल टू टू कैनाल यानी के ट्वेंटी बिस्वा राइट जब एक किले की बात करते हैं बहुत कॉमन है सभी को पता है एक किला आठ कनाल के बराबर होता है ओके okay? वन किला इज इक्वल टू एट कैनाल्स अब देखिए यहां पे एट कैनाल्स और टू केनाल बीस बिस्बे के हैं तो आठ केनाल कितने बिस्बे के बराबर हो गए अस्सी बिस्बे के बराबर ठीक है तो ये याद रखना है आपने एक किले में आठ केनाल और अस्सी बिस्बे और सबसे इंपॉर्टेंट है किला कितने एकड़ का है किले एक किले में कितने जैसे एकड़ आते हैं सो एक किला को हम एक एकड़ भी बोल सकते हैं अगर स्केयर फीट की बात करें तो जो एक एकड़ लैंड है वो कितने स्केयर फीट के बराबर होगी तरतालीस हजार 560. अब इससे भी आगे पूछ सकता है मान लो वहां पे आ गया कितने गज या कितने स्केयर यार्डस आ गया पूछ लिया तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे और कितना आ जाएगा 48, एट फोर जीरो समथिंग ठीक है इतने स्केयर यार्ड्स अब देखिए एक मरबा मरबा यूनिट काफी कॉमन था पहले अक्सर पंजाब में गाने भी बनते हैं इस पर तो एक मरबा कितने किले के बराबर है पच्चीस किले ठीक है यानी कि पच्चीस एकड़ ओके नेक्स्ट एक किला इज मेजर्ड जो किला है जो स्टैंडर्ड किला है ए लैंड ऑफ ए लैंड ऑफ वन किला इज इक्वल टू इसमें कितने कर्म आ गए छत्तीस कर्म इसको एक स्टैंडर्ड एरिया है ये किला राइट जिसमें छत्तीस कर्म गुणा चालीस कर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे जो एरिया निकल के आएगा वो क्या होगा एक किला ठीक है अब छत्तीस क्रम में एक सौ फिट हो गए और चालीस क्रम में कितने हो गए दो सौ बीस फुट दोनों को गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा तरतालीस हजार पाँच सौ पाँच सौ साठ फिट सो so, एक किला एक एकड़ तो कितने के बराबर हुआ तरतालीस हजार पाँच सौ साठ अगर गज की बात करें डिवाइड बाय नाइन फोर एट फोर जीरो ठीक है जी अब अक्सर जो कोठीज हैं प्लॉट्स हैं उनको हम किसमें मापते हैं मरलाज और कैनाल में राइट right? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कोठीज एंड मरलाज इन पंजाब आर नॉर्मली मेजर और वी कैन से कॉमनली मेजर इन, इन मरला एंड कैनाल राइट तो ये कुछ लैंड मेजरमेंट की यूनिट्स हैं देखिए यहाँ पे हमने फटाफट कवर कर दी है बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस अभी भी टाइम है इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी है एग्जाम में अगर कोई देखिए एग्जाम में हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा वी नीड टू डू एवरी टॉपिक ओके सो यहाँ पे हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी ओके सो लेट्स सी अगेन इन आ इन एरियाज इन ऑल areas consolidated ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड measure ऑफ 66 inches, दैट इज karm और गथा one square karm. मैंने पहले ही बताया है one karm into टू वन हम जब करते हैं तो क्या यूनिट आती है सरसाही। और ये किसके बराबर होती है थ्री पॉइंट थ्री सिक्स डबल वन डबल वन यार्ड नाइन का एक मर जिसको हम एक मरला भी बोल सकते हैं ठीक है और ये कितने स्केयर यार्ड्स के बराबर है 30.25 पॉइंट टू अब 20 मरला जब 20 मरले की बात करते हैं तो कितना आ गया एक कनाल बनता है यानी कि अप्रोक्सीमेटली 605 पांच यार्ड्स लाइक राइट तो ये सब चीजें आपने कवर करनी है नेक्स्ट इज फटाफट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सो वन एकड़ कैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वन एकड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टेयर तो वन एकड़ कितने हेक्टेयर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज पॉइंट फोर जीरो फाइव हेक्टेयर उल्टा भी हो सकता है वन हेक्टेयर इज एक हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर है टू पॉइंट फोर सेवन वन जीरो डबल फाइव एकड़ अब एक एकड़ में कितने बीघा जमीन होगी फोर बीघा क्योंकि एक बीघे में बीस बिस्बे होते हैं तो वन एकड़ इजिकल टू एटी बिस्बा अब वन एकड़ में कितने स्क्वेयर फीट के बराबर होती है जैसे मैंने आपको बताया तैतालीस तो हजार सौ साठ इतने स्क्वेयर फीट है तो वन एकड़ इज इक्वल टू फोर एट फोर जीरो स्क्वेयर यार्ड्स और मैंने बताया आपको एक माइल जो है वो किलोमीटर की बात करें अक्सर गांव में माइल की बात होती है मील मीलों की बात होती है तो वन माइल इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन थ्री फोर किलोमीटर्स उल्टा भी हो सकता है वन कीमल किलोमीटर पूछ लिया तो वन किलोमीटर इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स टू वन थ्री सेवन माइल अब अगर बात करें वहां पे आ जाए वन एकड़ इज हाउ मेनी स्क्वायर मीटर तो वन एकड़ इज फोर जीरो फोर सिक्स पॉइंट एट सिक्स स्क्र मीटर राइट किलोमीटर की बात करें तो वही फिर हम डिवाइडेड बाय सिक्स कर देंगे इसको दो जीरो और आ जाएंगी यहां पे पॉइंट डबल जीरो फोर जीरो फोर सिक्स एट सिक्स स्क्र किलोमीटर और पॉइंट डबल जीरो जीरो सिक्स टू फाइव स्क हंड्रेड स्क्वेयर सेंटीमीटर इज वन डेसीमीटर राइट हाउ मेनी स्क्वायर डेसीमीटर कॉन्स्टिट्यूट वन स्क्वायर मीटर देन आंसर कितना आ जाएगा जैसे हंड्रेड स्केयर डेसीमीटर्स सो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज के जो ये जो फैक्ट्स हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या जैसे गांव में जो लैंड मेजरिंग यूनिट है उस पर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ओके okay? देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं जैसे एकड़ टू हेक्टेयर कन्वर्ट वहां से पूछा जा सकता है एक एकड़ में कितना बिस्वा है ये पूछा जा सकता है एक बिस्वे में जैसे कितने एक बीघे में कितने बिस्वे हैं ये पूछा जा सकता है राइट right? और एकड़ को हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कैसे करते हैं राइट right? तो, तो जैसे एकड़ है स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करना हो अक्सर जो कोठियां हैं कोठियां हैं बिल्डिंग हैं उनका जो एरिया दिया होता है या तो स्क्वायर फीट में दिया जाता है या स्केयर यार्ड स्केर यार्ड को हम गज भी बोल सकते हैं ठीक है तो वन स्केयर यार्ड इज इक्वल टू नाइन स्केयर फीट ये आपने याद रखना है अगर स्केयर फीट आ जाए तो उसको हम स्केयर यार्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे वी विल डिवाइड इट बाय नाइन राइट सो आई गेस अच्छा खासा एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया है फिर भी आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है राइट right. बाकी एक चीज़ और है देखिए सभी जितनी भी रिविज़न क्लासेज हैं इनकी पी आपको मिलेगी आपने क्या करना है पी लेने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरा जो हमारा जो पोर्टल है वहाँ पे ये रिविज़न कोर्स रिविज़न कोर्स फॉर पंजाब पटवारी एग्रीकल्चर का वहाँ से आपने उस कोर्स को सब्सक्राइब करना करना है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और आपने वहां से जाके फिर पीडीएफ डाउनलोड करनी है हर लेक्चर के साथ हम पीडीएफ लगाएंगे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच